I am Sameer Vasthi, Associate Professor in the Department of Computer Science and Engineering from Babu Banarasi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. Today, I am going to teach you Object Oriented System Design and my topic is Introduction to UML. First of all, what is UML? UML is a standard language for specifying

मैं प्रीवियस प्रीवियसाइड में बता भी चुका हूँ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और इसके बाद यू बेसिकली यूज़ क्या करते हैं कैसे यूज़ करते हैं यू को यू एम एल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एज यू नो यू एम एल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस जावा कोबोल एटसेट्रा यहाँ पर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग मॉडलिंग लैंग्वेज नहीं है इट्स डिफरेंट फ्राम सी प्लस प्लस जावा कोबोल एटसेट्रा इन सबसे अलग है ये यहां पे हम इसको इससे यूएमएल के थ्रू हम एक पिक्टोरियल व्यू इट्स पिक्टोरियल लैंग्वेज और इससे हम एक ब्लू तैयार करते हैं वाइल ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ सी प्लस प्लस जावाबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं तो थर्ड पॉइंट यहां पे बिल्कुल क्लियर है आपको यूएमएल वॉट इज यू एम एल यू एम एल इज ए पिक्टोरियल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो यू एम एल क्या है यू एम एल इज ए पिक्टोरियल लैंग्वेज दिस यू एम एल कैन बी डिस्क्राइब एज ए जनरल परपज़ विजअल मॉडलिंग लैंग्वेज टू विजुलाइज इस्पेसीफाई कंस्ट्रक्ट एंड डूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑल दो यू एम एल इज़ जनरली यूज टू मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम इट इज़ नॉट लिमिटेड विद दिस बाउंड्री इट इज ऑल्सो यूज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर नॉन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज वेल मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है इसको इसको हम नॉन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोसेस फ्लो इन मैनुफैक्चरिंग यूनिट प्रोसेस फ्लो इन मैनुफैक्चरिंग यूनिट उसके लिए भी हम यू डिफाइन करते हैं तो यू जो है आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम एज़ वेल एज नॉन सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है now going towards next goal of the uml there are number, number of goals for developing uml but the most important is to define some general purpose modeling language which all the modellers can be used and it also need to be made simple to understand and use मीन्स क्या हुआ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम एक जनरल पर्पज लैंग्वेज डिजाइन करते हैं जिसके थ्रू एक ओवरऑल ब्लू प्रिंट डिजाइन किया जा सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम डिजाइन के लिए यू एम एल डायग्राम आर नॉट ओनली मेड फॉर डेवलपर्स बट ऑल्सो फॉर द बिजनेस यूजर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ये जो यू एम एल लैंग्वेज है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये केवल सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड अप्रोच के लिए नहीं है नॉन सॉफ्टवेयर अप्रोच के लिए भी हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे यू एम डायग्राम जो है आर नॉट ओनली बी यूज फॉर डेवलपर्स बट ऑल्सो फॉर द बिजनेस यूजर्स कॉमन पीपल एंड एनी बॉडी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम आर यूज यू एम एल दिसटम कैन बी ए सॉफ्टवेयर और ए नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम देयर मस्ट बी ए क्लियर देयर मस्ट बी क्लियर दैट यू एम एल इज नॉट अ डेवलपमेंट मेथड रादर देन इट अकम्पेन द प्रोसेस टू मेक इट यूजफुल सिस्टम कंक्लूजन क्या कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इन कंक्लूजन द गोल ऑफ यूम कैन बी डिफाइंड एज अ सिंपल मॉडलिंग मैकेनिज्म टू मॉडल ऑल पॉसिबल प्रैक्टिकल सिस्टम इन टूडे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट तो यू का यू का बहुत यूज है बहुत एप्लीकेशन है ये विद द हेल्प ऑफ द यू हम ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है इस सब्जेक्ट में एक जो मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं नाउ गोइंग टू वर्ड द नेक्स्ट साइकिल वट इज द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यू एम एल यू एम एल का कंसेपचुअल मॉडल क्या होता है अ कंसेपचुअल मॉडल कैन बी डिफाइन एज अ मॉडल विच इज मेड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देर रिलेशनशिप एज यू नो दैट कन्सेप्चुअल मॉडल मीन्स अगर कोई मॉडल मैंने एक ऐसा बनाया जिसके जो कि कॉन्सेप्ट और उसके रिलेशनशिप को एसोसिएट कर रहा हो कंसेप्चुअल मॉडल कहेंगे उसको अ कंसेप्चुअल मॉडल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ड्राॅइंग एन यू एम एल डायग्राम यू डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कंसेप्चुअल मॉडल बिल्ड किया जाता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड यू एम एल डिस्क्राइब द रियल सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ कंसेप्चुअल मॉडल एंड देन प्रोसीड ग्रेजुअली अगर आपको यू एम एल मॉडल यू एम एल डायग्राम बनाना है तो उससे पहले आपको कंसेप्चुअल मॉडल ड्रॉ करना पड़ेगा उसके बाद आपको प्रोसीड करेंगे यूएमएल डायग्राम के लिए नो एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल बेसिकली देयर आर द थ्री एलिमेंट्स इन द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक नो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक द सेकेंड वन द रू सेकेंड इज द रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक एंड द थर्ड वन इज द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ यू एम एल तीन पॉइंट हैं इसमें एलिमेंट्स तीन हैं एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल थ्री बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक यू एम एल बिल्डिंग ब्लॉक सेकंड वन इज द रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक एंड थर्ड वन इज द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ यू एम एल नाव गोइंग टू वर्ड द रोल ऑफ यू एम एल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यू एम एल के क्या रोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में Um, UML is a modeling language used to model software and non-software system. Although UML is used for non-software system, the emphasis is on modeling object-oriented software application. Most of the UML diagram discussed so far are used to model different aspects such as static dynamic. Now, whatever be the aspect, the artifact are nothing but objects. लुक इन टू द क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम कोलेब्रेशन डायग्राम इंट्रेक्शन डायग्राम ऑल वुड बेसिकली डिजाइन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट जितने भी ये मैंने बात की किन, किन की बात की क्लास डायग्राम की मैंने बात की ऑब्जेक्ट डायग्राम कोलेब्रेशन डायग्राम इंट्रेक्शन डायग्राम ऑल वुड बेसिकली भी डिजाइन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे इनको हम डिजाइन करते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डिजाइन एंड यू एम एल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड The object oriented design is transformed into UML diagram according to the requirement. Before understanding the UML in detail, the object oriented concept should be learned properly. ऐसा नहीं है कि आपने object oriented technique आपको पता नहीं है, आपने UML design करना शुरू कर दिया। No, आपको object oriented design के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप UML से आप UML diagram draw कर पाएंगे। वंस द ऑब्जेक्ट ओरिएटेड एनालिसिस एंड डिजाइन इज डन द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी द इनपुट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड द डिजाइन इज द इनपुट टू यू एम एल डायग्राम जो हमें वहां से इनपुट मिला है ऑब्जेक्ट ओरिएटेड टेक्निक से उसको हम यू एम एल डायग्राम का इनपुट मान लेंगे ओके okay. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक क्लियर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द यू एम एल डायग्राम नाउ गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट साइड यू एम एल बिल्डिंग ब्लॉक फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक

ग्रुपिंग एन एनोटेशनल चार टाइप की हो सकती है थिंग्स नाउ फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल थिंग्स स्ट्रक्चरल थिंग्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल थिंग्स डिफाइन द स्टैटिक पार्ट ऑफ द मॉडल जो भी स्टैटिक पार्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल थिंग्स से दे रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड कंसेप्चुअल एलिमेंट फॉलोइंग आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल थिंग्स कौन कौन से हैं देखिये ये यहाँ पे मैंने इस क्लास को डिफाइन किया इसको, इसके इंटरफेस को डिफाइन किया दीज आर द स्ट्रक्चरल दीन्स क्लास रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर क्लास रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर हैिटी क्लास के एट्रीब्यूट हैं ऑपरेशन हैं नाउ इंटरफेस डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशन विच स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लास ये इंटरफेस हो गया नाउ कोलेब्रेशन कोलेब्रेशन डिफाइन एंड

फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज द बिहेवियरल बिहेवियल थिंग्स कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक पार्ट ऑफ स्टेटिक पार्ट को हमें अभी पता लगा स्ट्रक्चरल थिंग्स से पता लगा जो डायनेमिक पोर्सन है डायनेमिक पार्ट है उसको हम बिहेवियल थिंग्स के थ्रू डिफाइन करते हैं देन द बिहेवियल थिंग्स कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक पोर्सन फॉलोइंग आर द बिहेवियल थिंग्स दैट इज द इंट्रेक्सन फर्स्ट इज द इंट्रेक्शन इंट्रैक्शन इट डिफाइन एज ए बिहेवियर दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैसेज एक्सचेंज अमंग एलिमेंट टू अकम्पलिस है इसको डिनोट करते हैं मैसेज दिस इज दिस इज ए मैसेज नो स्टेट मशीन स्टेट मशीन इज यूजफुल वेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट कब इंपॉर्टेंट होती है स्टेट मशीन जब लाइफ ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंस हो when the state of an object in its life cycle is important then we use a state machine it define the sequence of state it define the sequence of state of an object goes through in response to the event ये state machine का क्या मतलब है? it define the sequence of a state an object goes through it response to the event इवेंट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंज सपोज करो मैं एक स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में जाता हूँ तो ये जो है इसको कैसे डिफाइन करूंगा जो इस सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं इट डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स स्टेपेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज टू अनदर इट इज नोन एज द स्टेट मशीन तो बेसिकली जैसे हमने लिख रखा है इट डिफाइन द सवेंस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज थ्रू एन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट नाउ ग्रुपिंग थर्ड वन इज द ग्रुपिंग ग्रुपिंग थिंग्स कैन बी डिफाइन एज अ मैकेनिज्म टू ग्रुप एलिमेंट of a UML model together there is only one grouping things available अब यहाँ पे इस grouping के केस में केवल एक ही available है और वो है package package is the only one grouping method grouping thing method के things है uh, method कहना सही नहीं होगा यहाँ पे package is the only one grouping thing available for gathering structural and behavioral things एक साथ उनका package बना लेते हैं स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल थिंग्स का पैकेज बना के वो ग्रुपिंग थिंग्स में आ जाता है नाउ गोइंग टू वर्ड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज फोर्थ वन इज द एनोटेशनल थिंग्स एनोटेशनल थिंग्स कैन बी डिफाइंड एज ए मैकेनिज्म टू कैप्चर रिमार्क रिमार्क को कैप्चर करने के लिए कहाँ क्या यूज करते हैं अब आपको मालूम होगा डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं कमेंट्स यूज करते हैं ऑफ़ यू मॉडल एलिमेंट्स तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ आती हैं एनोटेशनल थिंग्स में आती हैं एनोटेशनल थिंग्स कैन बी डिफाइन एज अ मैकेनिज्म टू कैप्चर रिमार्क डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स ऑफ यू एम एल मॉडल एलिमेंट्स नोट यहाँ पे एक बात करने वाली है वो क्या है इट इज़ द ओनली वन एनोटेशनल थिंग्स अवेलेबल ओनली वन एनोटेशनल थिंग्स इज अवेलेबल दैट इज नोट नोट इज यूज टू रेंडर कमेंट्स कंस्टेंट एट्सेट्रा ऑफ एन यू एम एल एलिमेंट तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे अगर हमें कोई कॉमेंट्स देना लगाना है कंस्टेंट यूज करना है यू एम एल एलिमेंट के लिए तो हम यहाँ पर एनोटेशनल थिंग्स का यूज़ करेंगे गोइंग टू वर्ड द नेक्स्ट लाइट रिलेशनशिप रिलेशनशिप इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यू एम एल इट शोज हाउ द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड एसोसिएशन डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ बेसिकलीयर आर फोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन यू एम एल अवेलेबल चार तरह की होती है पहला है इसमें डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंगमेंट ऑल्सो एफेक्ट दर्स्ट वन इज द डिपेंडेंसी यह इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू हम यहां पर शो करते हैं डिपेंडेंसी को दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन विच चेंज इन एलिमेंट ऑल्सो एफेक्ट द अदर सेकेंड इज द एसोसिएशन रिलेशनशिप में सेकेंड है एसोसिएशन एसोसिएशन इज बेसिकलीट ऑफ लिंक दैट कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ द यू एम एल मॉडल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यू एम एल मॉडल में हमें डिस्क्राइब करना है इसमें क्या होता है एसोसिएशन इज बेसिकली सेट ऑफ लिंक कई कई सारे हम लिंक हैं उनका सेट जो है उसको जो आपके एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं यू एम मॉडल के थ्रू है ना इट डि इट आल्सो डिस्क्राइब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर टेकिंग पार्ट इन दैट रिलेशनशिप ये ये भी बता देता है हमको कि कितने ऑब्जेक्ट हैं वो इस रिलेशनशिप में कलेक्ट हो रहे हैं यूज हो रहे हैं तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज सब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है देन इसको डिनोट करते हैं एसोसिएशन मे बी आइदर इन टू वे दिस दिस इज एसोसिएशन जनरलाइजेशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जनरलाइजेशन इट कैन बी डिफाइन एज अ रिलेशनशिप विच कनेक्ट अ स्पेशलाइज एलिमेंट विद अ जर्नलाइज एलिमेंट इट इज बेसिकली डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इन वर्ड ऑफ इन द वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट तो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन को इनहेरिटेंस के साथ मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में काफ़ी एक्सप्लेन किया है ना गोइंग टू वर्ड द नेक्स्ट स्लाइड रियलाइजेशन रियलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज ए रिलेशनशिप इन विच टू एलिमेंट आर कनेक्टेड वन एलिमेंट डिस्क्राइब सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड अदर वन इम्प्लीमेंट दम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी दूसरे को इंप्लीमेंट करना था वो रियलाइजेशन के थ्रू हम यूज करवाते हैं दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द केस ऑफ इंटरफेस अब अगर इंटरफेस इंटरफेस के केसेज में हम रियलाइजेशन का यूज़ करते हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रियलाइजेशन इसके थ्रू हम यूज करते हैं नाउ देयर आर सम यूएमएल डायग्राम कई सारे यूएमएल डायग्राम हैं यूएमएल डायग्राम में ऑल द एलिमेंट्स रिलेशनशिप दैट आर यूज्ड टू मेक अ कंप्लीट यूएमएल डायग्राम एंड द डायग्राम रिप्रेजेंट सिस्टम दीज यू एम एल इंक्लूड द फॉलोइंग नाइन डायग्राम बेसिकली हमारे पास नाइन टाइप्स के डायग्राम हैं जिनको वन बाई वन हमें स्टडी करना है अभी यू एम एल आर्किटेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा यू एम एल आर्किटेक्चर के थ्रू हम कैसे इनको रिप्रजेंट कर, कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ दिस यू एम एल डायग्राम इज द क्लास डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास डायग्राम अभी मैंने आपको क्लास डायग्राम क्लास कैसे रिप्रेजेंट करी जा सकती है किसके थ्रू रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू मैं क्लास रिप्रेजेंट कर रहा था जिस इज ए क्लास इसके अंदर मैंने यहाँ पे नाम रखा क्लास का देन यहाँ पे एट्रीब्यूट आए यहाँ पे नेम हो गया एट्रीब्यूट हो गए एट्रीब्यूट और यहाँ पे इसके फंक्शंस हो गए या यहाँ पर यह मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया इसी स्लाइड में अभी आपको फर्स्ट मैम मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से होगा तो इम्पोर्टेंट है क्लास डाइग्राम हो चुका है देन ऑब्जेक्ट डाइग्राम फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास उस क्लास के जब भी क्लास का एक बात मैंने कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था मेमोरी के टर्म्स में मेमोरी कब क्रिएट होती है जब मैं किसी क्लास को डिफाइन करता हूँ क्लास के अंदर जब क्लास की बात आती है तो क्लास के कई सारे उस क्लास का नाम होगा तो यहाँ पे जब मैं क्लास को डिफाइन करता हूँ तब मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही लेकिन जैसे ही मैंने उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया मीन्स उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेमोरी विल क्रिएट तो अगर मेमोरी के टर्म्स में बात करोगे आप तो ऑब्जेक्ट बनाना जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो क्लास का तब एक ऑब्जेक्ट बनाने डिफाइन करने का मतलब इंस्टेंस क्रिएट किया आपने ऑब्जेक्ट उस क्लास का तो वहाँ पर मेमरी के टर्म्स में आप बात कर सकते हो देन यूज केस डायग्राम अभी यूज केस डायग्राम हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब भी फिर से देखेंगे यूज केस डायग्राम के बाद है सिक्वेंस डायग्राम दिस इज सिक्वेंस डायग्राम कोलेब्रेशन डायग्राम है एक्टिविटी डायग्राम है स्टेट चार्ट डायग्राम अगेन इम्पॉर्टेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड कॉम्पोनेंट डायग्राम बेसिकली दीज आर द नाइन टाइप ऑफ यू एम एल डायग्राम दैट यू हैव स्टडी इन यू एम एल कम्प्लीट यू एम एल आर्किटेक्चर यू हैव टू स्टडी इन यू एम एल आर्किटेक्चर इसके बाद इसके अलावा मैंने जो अभी आपको बताया था दिस इज द थिंग्स आर द थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यू एम एल मतलब यहाँ पे अगर आपने स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बिहेवियरल और ग्रुपिंग एनोटेशनल ये चार टाइप की थिंग्स को समझ लिया कि कब हमें यूज करना है तो आप यू एम एल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो कैसे होगा फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चरल थिंग्स में क्या होता है स्ट्रक्चरल थिंग्स में क्लास आती है इंटरफेस आता है स्ट्रक्चर थिंग्स में स्टैटिक पार्ट मॉडल का आता है स्टैटिक पार्ट का क्या मीनिंग हुआ स्टैटिक पार्ट का मीनिंग हुआ जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं एज ए होल तो वहाँ पे क्लास को डिफाइन करना स्ट्रक्चरल थिंग्स में आएगा क्लास का इंटरफेस डिफाइन करना स्ट्रक्चरल थिंग्स में आएगा स्टैटिक पोर्शन जितना भी है वो स्ट्रक्चरल थिंग्स में रहेगा दे रिप्रेजेंट फिजिकल एंड कंसेप्चुअल एलिमेंट एंड द दीज आर द फॉलोइंग आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल थिंक क्लास एंड इंटरफेस ऐसी कुछ कोलैबोरेशन यूज केस कंपोनेंट, नोड जो भी स्टैटिक पोर्शन है क्लास का ये सब स्टैटिक पोर्शन है कोलैबोरेशन हो गया यूज केस हो गए कंपोनेंट हो गए नोड हो गए ये जितने भी स्टैटिक पोर्शन की बात हो रही है ये सारे स्टैटिक पोर्शन की बात होगी तो वो आपके स्ट्रक्चरल में आएंगे नाउ बिहेवियरल थिंग्स बिहेवियरल थिंग्स में केवल डायनेमिक पोर्शन की बात करेंगे और इट कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक पार्ट ऑफ द यूएमएल मॉडल डायनेमिक पार्ट का क्या मतलब हुआ डायनेमिक पार्ट का मतलब हुआ कि जब हम इंट्रैक्शन करते हैं इसके थ्रू एक्चुअली बेसिकली ये जो है ना ये इंटरेक्शन इज द ओनली मैथड ओनली थिंग दैट वी यूज इन बिहेवियरल इंटरेक्शन इज डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैसेज एक्सचेंज एमंग एलिमेंट टू अकम्पलिस स्पेसिफिक टास्क इस तरीके से हम बच्चों समझ सकते हैं कि अगर मुझे इसको बिहेवियरल जो भी डायनेमिक पोर्शन है उसको डिफाइन करना पड़ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे थ्रू इंट्रैक्शन एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं इट डिफाइंड एज ए बिहेवियर दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मैसेज ग्रुप ऑफ मैसेज एक्सचेंज एमंग एलिमेंट टू द टास्क स्पेसिफिक टास्क नाउ इसको देखो इसमें बिहेवियरल थिंग्स में एक और आता है स्टेट मशीन होता है स्टेट मशीन इज़ यूजफुल वैन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल इज इम्पॉर्टेंट अगर मैं अभी बात करूँ कोई भी मेरे पास क्लास है वो अभी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट क्लास की नहीं है मैं किसी भी अगर जनरल लेमेन लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता रहता है वो जो स्टेट मशीन का क्या रिक्वायरमेंट है स्टेट मशीन यूजफुल वैन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल चेंज फ्रिक्वेंटली अगर ये लाइफ साइकिल में उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो बिहेवियरल थिंग्स के थ्रू डिफाइन करेंगे इट डिफाइन द सिक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज थ्रू इन रिस्पॉन्स टू इवेंट इवेंट आर एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंज अब किसी इवेंट के थ्रू अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये स्टेट हमें कोई है इवेंट कुछ परफॉर्म हुई स्टेट चेंज हो गई तो ये सब किस में बिहेवियरल थिंग्स में हैं नाउ ग्रुपिंग थिंग्स ग्रुपिंग थिंग्स कैन बी डिफाइन एज अ मैकेनिज्म टू ग्रुप एलिमेंट ऑफ ए यू एम एल मॉडल टूगेदर मीन्स देर आर ओनली वन ग्रुपिंग थिंग्स अवेलेबल अब मेरे पास स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल थिंग्स आ गई हैं अब मुझे स्ट्रक्चरल मतलब स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन मुझे मिल गया है अब इसको मैं क्या करूँगा इसका एक ग्रुप करूँगा मीन्स मैं पैकेज क्रिएट करूँगा और पैकेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे है पैकेज पैकेज इज़ द ओनली वन ग्रुपिंग थिंग केवल एक ही है याद रखिएगा ओनली वन ग्रुपिंग थिंग्स अवेलेबल फॉर फॉर गैदरिंग स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल थिंग्स तो मैं एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा ये हमारा किस में आ जाएगा ये ग्रुपिंग में आ जाएगा नाउ इसके बाद एनोटेशन एनोटेशनल थिंग्स एनोटेशनल आपको मालूम है एनोटेशनल में केवल कुछ नोट लगाने जैसे आप एनोटेशन अपने बुक में भी यूज करते होंगे क्लास में भी यूज करते होंगे तो एनोटेशनल थिंग्स कैन बी डिफाइन एज ए मैकेनिज्म टू कैप्चर रिमार्क डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स ऑफ यू एम एल मॉडल तो अब यू एम एल डायग्राम में यू एम एल मॉडल में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोई रिमार्क हमें बताना है कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कमेंट सेक्शन में जाना है तो ये सारी चीज़ें अगर यू एम डायग्राम की हमें शो करनी है तो हम एनोटेशनल थिंग्स का यूज करेंगे और यहाँ पे नोट यूज करेंगे दैट इज दिस नोट अ नोट नोट को कैसे डिफाइन करते हैं नोट इज़ यूज टू फॉर कमेंट्स कंसटेंट एट्सेट्रा ऑफ एन यू एलिमेंट किसी यू एलिमेंट के लिए कमेंट्स और कंस्टेंट के लिए हम नोट यूज करते हैं एंड नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप ये भी मैं आपको अभी बताया था रिलेशनशिप में फोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर अवेलेबल दैट इज डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी को हमें शो करना है तो हम इसे डॉटेड पोर्शन के थ्रू शो करते हैं डिपेंडेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स कि किस तरीके से आपस में डिपेंडेंट हैं दोनों चीज़ें ये डिपेंडेंसी के थ्रू बताएंगे सेकेंड इज द रिलेशनशिप इज एसोसिएसन थर्ड इज़ द जनरलाइजेशन फोर्थ इज रियलाइजेशन तो ये चारों जो हैं ये हमें रिलेशनशिप का पार्ट है तो uh, डिपेंडेंसी के बाद आता है एसोसिएसन एसोसिएसन इज बेसिकली अट ऑफ लिंक दैट कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ द मॉडल यू एम एल मॉडल इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर टेकिंग पार्ट इन दैट रिलेशनशिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बताता है कि कितने uh, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रिलेशनशिप का पार्ट है एसोसिएशन बेसिकली ये हमें बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं जो इस रिलेशनशिप का पार्ट है एसोसिएशन इज ए सेट ऑफ लिंक दैट कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ ए यू मॉडल ओके इसके बाद जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की टेक्निक है एसोसिएशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं इस तरीके से हो सकता है एंड uh, इसके बाद आपको जनरलाइजेशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड रियल रिलेशनशिप केस में रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कैन बी यूज बाय दिस रियलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप इन विच टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड वन एलिमेंट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट इंप्लीमेंट एंड अदर वन इंप्लीमेंट दम दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन केस ऑफ इंटरफेस नाउ ये तो डायग्राम थे जो मैंने अभी आपको बताए थे कि कौन कौन से यू डायग्राम में एंड दीज ऑल नाइन यू डायग्राम कैन बी आई आई एक्सप्लेन इन यू आर्किटेक्चर ओके क्लास डायग्राम यहाँ पे हो चुका है ऑब्जेक्ट डायग्राम हो चुका है एंड यूज केस डायग्राम चिकन डायग्राम कोलेब्रेशन डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम ये ये जितने भी डायग्राम हैं इनको हम यू आर्किटेक्चर वाले स्लाइड uh, में कम्प्लीट करेंगे uh, Next is these. This is the references again. The object oriented modeling, James Rambog, and thank you.